तो दोस्तों शक्तिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुके हैं सोनभद्र। देख सकते हैं दोस्तों रॉबर्टसगंज के आसपास बहुत ही ज्यादा गेहूं का खेती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप, स्वागत है फिर से नए वीडियो में दोस्तों। और हम है चौपन में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन में। हमने टिकट ले लिया है बनारस जाने का, 65 रुपया का टिकट। और ट्रेन अनाउंस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 पर, और ये शक्तिनगर से आएगी गाड़ी, जाएगी सीधी इंटरसिटी एक्सप्रेस बनारस। तो दोस्तों मैं चौपन स्टेशन में टिकट के लिए उधर उस पार चला गया था, लेकिन वो इस पार में ही है, मतलब जो शहर का एरिया है उस वाले छोर में ही है, मतलब उस पार में, तो वहीं से मैंने टिकट लिया। तो दोस्तों इस गाड़ी का चौपन में आने का टाइम है 7:40 में, तो अभी भी 20-30 मिनट टाइम है, तब तक रेस्ट मारते हैं इधर ही। और बात करें इस गाड़ी को तो हफ्ते में 3 दिन चलती है शक्तिनगर से, और बाकी 4 दिन आती है सिंगरौली से। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है पूरे खाली खाली, इंटरसिटी एक्सप्रेस शक्तिनगर टू सिंगरौली, शक्तिनगर टू बनारस के लिए। ये देखिए पूरा गाड़ी खाली है, ना के बराबर सवारी है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन पूरा गाड़ी खाली है, यहाँ के दुख सवारी है, यहाँ भी चढ़ रहे हैं, पूरा पूरा खाली है, आगे तक पूरा खाली है। मतलब शादी ब्याह के भी लगन चल रहा है, तो भी इस माहौल में इस गाड़ी में बहुत ही नई के बराबर भीड़ है, देख सकते हैं एकदम जीरो भीड़ है। तो दोस्तों अपने टाइम से 20 मिनट देरी से चल चुके हैं चौपन से, क्योंकि बहुत देर यहाँ टाइम तक ट्रेन रुके। दोस्तों शक्तिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुकी है सोनभद्र जिले का, सोनभद्र जिले का जिला मुख्यालय शहर रॉबर्टसगंज में, सोनभद्र रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। लोग यहाँ भी उतर रहे हैं सोनभद्र रेलवे स्टेशन में रॉबर्टसगंज। तो दोस्तों सोनभद्र से रॉबर्टसगंज चल चुके हैं ट्रेन, बहुत देर यहाँ तो रुका, बहुत टाइम लेता है दोस्तों इस ट्रेन में। तो अब तक तो बस से हम कब तक का ही पहुँच गए होते। देख सकते हैं दोस्तों रॉबर्टसगंज के आसपास बहुत ही ज़्यादा गेहूं का खेती, पूरा क्यारी भरा हुआ गेहूं से, देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर फैला हुआ है, पूरा पककर तैयार है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम लोग की गाड़ी शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस चुनार जंक्शन पहुंचने ही वाली है, मिर्जापुर जिले का चुनार जंक्शन। ये देखिए अब इसके बाद इसका फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी ही होगा यहाँ हॉल्ट के बाद। Yeah.
तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन पहुंच चुके हैं एक घंटे देरी से शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से। इसका आने का टाइम था यहाँ 12:55 में, लेकिन ट्रेन आई सीधे 1:55 में, एक घंटा देरी से। और ट्रेन की बात करें तो ठीक है, किराया वगैरह तो कम है, लेकिन इसका साफ सफाई, बाथरूम का सफाई तो एकदम करने ही लायक नहीं था, पूरा घटिया टाइप से था। बाकी रुकते हुए ट्रेन आती है तो यही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।